मॉडल टाउन के छत्रसाल स्टेडियम में की गई वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत, जहां पर 45 प्लस उम्र के लोगों को लगाया जाएगा टीका। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भी पहुंचे। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना महामारी भले ही पहले से कम हो गई हो, लेकिन अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। कोरोना को हराने के लिए वैक्सीनेशन कराना बेहद जरूरी है। इसी कड़ी में आज दिल्ली सरकार की तरफ से ड्राइविंग वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई। यहां लोग अपनी गाड़ी से मोटरसाइकिल से आकर तुरंत ही वैक्सीनेशन करा सकते हैं, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन बहुत ही जरूरी है। कोरोना को अगर पूरी तरीके से हराना है तो जल्द से जल्द हर किसी को वैक्सीनेशन कराना बेहद जरूरी है। आगे उन्होंने बताया कि दिल्ली को धीरे धीरे अनलॉक किया जाएगा। जैसे जैसे कोरोना की केस कम होते रहेंगे, वैसे वैसे दिल्ली को अनलॉक करने की प्रक्रिया चालू रहेगी। दिल्ली सरकार की तरफ से ड्राइव इन वैक्सीनेशन शुरू किया जा रहा है। यहाँ पे लोग अपनी गाड़ी में आ सकते हैं, मोटरसाइकिल पे आ सकते हैं, लोग पैदल भी आ रहे हैं और अपना यहाँ पे वैक्सीनेशन करा सकते हैं। वैक्सीनेशन बिल्कुल मुफ्त है। अभी फ़िलहाल 45 से ज़्यादा उम्र वालों के लिए शुरू किया गया है, क्योंकि उसके नीचे की उम्र वालों की वैक्सीन अभी नहीं है। जैसे वो वैक्सीन आएगी तो नीचे वालों की उम्र के लिए भी वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। तो मैं अभी कई लोगों से बात की मैंने, जो जो वैक्सीन लगवा के जा रहे थे, लोग बहुत खुश हैं, पूरी व्यवस्था से खुश हैं और वैक्सीन उनको लग गई इस बात से बहुत खुश हैं। टेंडर तो किया है, हमारी तरफ से सारी कोशिशें जारी हैं, लेकिन अभी तक जितनी सरकारों ने, दूसरी सरकारों ने ग्लोबल टेंडर किए थे, उनके कोई नतीजे बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक आए नहीं हैं। तो हमने भी किया है, उम्मीद पे किया है कि कोई अगर कोई कंपनी आएगी तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मोटे मोटे तौर पे मैं समझता हूँ कि जितनी भी बड़ी बड़ी वैक्सीन उत्पादक कंपनियाँ हैं दुनिया भर की, वो सीधे केंद्र सरकार से बात करना चाहती हैं, केंद्र सरकार से बात कर रही हैं। तो अलग अलग राज्य सरकारें कितनी सक्सेसफुल हो पाएंगी ये तो समय बताएगा, लेकिन अपनी तरफ से हमने कर दिया। कल तक के डेटा है, कल सुबह तक लगभग, देखिए दिल्ली में दो किस्म के हैं, एक तो है दिल्ली सरकार के और दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल्स, और दूसरा है केंद्र सरकार के अस्पताल। तो दिल्ली सरकार के अपने जो अस्पताल हैं, और उसमें लगभग 450 के करीब केसेस कल पोर्टल पे डाले गए थे। केंद्र सरकार वाले सीधे उनसे डील कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमने दवाई की मांग की है। मैं समझता हूँ कि दवाई की काफ़ी किल्लत है, देश भर में किल्लत है। केंद्र सरकार अपनी तरफ से जो भी बन सकता है वो दे रही है, तो मैं समझता हूँ कि जल्दी और भी इसके जो इंजेक्शन है वो प्रोक्योर किए जाएंगे और सभी राज्य सरकारों को। तो कल हमने अनाउंस किया था कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ और ये दो एक्टिविटीज़ कल इंडस्ट्रीज अनाउंस की थी कि ये दोनों खुल सकती हैं, क्योंकि सबसे गरीब तबका जो प्रवासी मजदूर है वो सबसे ज़्यादा यहीं पर काम करता है, और लॉकडाउन के दौरान सबसे ज़्यादा गरीब लोगों को दिक्कत होती है। धीरे धीरे आने वाले हफ्तों में जैसे जैसे केसेस कम होंगे, आज जो पिछले 24 घंटे में लगभग 900 केस आए हैं, पहली बार 1000 से कम केस हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे जैसे केस कम होंगे हम और अनलॉकिंग करेंगे। हम तो चाहते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वापस पटरी पे आए, ताकि इकोनॉमी वापस। वैक्सीन मांग रहे हैं, वैक्सीन मांगने में राजनीति कैसी है? जनता को वैक्सीन चाहिए, वैक्सीन दिला दो। कहाँ से वैक्सीन लें वो बताएं। केंद्र सरकार को वैक्सीन प्रोक्योर करनी है, केंद्र सरकार वैक्सीन प्रोक्योर करके हमें दे, हम सबको वैक्सीन लगा देंगे। ये वाला टाइम तूतू मैं करने का नहीं है, ये इस तरह से आरोप प्रत्यारोप का टाइम नहीं है, ये फिंगर पॉइंटिंग का टाइम नहीं है, ये एक दूसरे के साथ तर्क कुतर्क करने का टाइम नहीं है। देश बहुत बड़ी आपदा से गुजर रहा है, दुनिया भर का एक्सपीरियंस ये दिखाता है कि वैक्सीनेशन इसका एकमात्र समाधान है। तो पूरे देश को मिलके वैक्सीन खरीदनी चाहिए, राज्य सरकारों को बांट दे, हम वैक्सीन लगा देंगे। ये तर्क कुतर्क क्यों कर रहे हैं, ये मेरी समझ के परे। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।